अभी तक बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है वो जनता के समक्ष क्या घोषणा करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए अच्छे नाम नहीं है वो क्या घोषणाएं करेंगे। अवनीश बुंदेला ने कहा कि हमें तो लग रहा था कि मोदी और अमित शाह कहीं मध्य प्रदेश से चुनाव न लड़ जाएं, जो अभी चुनाव तैयारियों में लगे हैं वो क्या घोषणाएं करेंगे। सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए बुलाना, हमको तो लग रहा था कि ऐसा ना मोदी जी अमित शाह जी खुद चुनाव लड़ने, तो जब इतनी लड़ाई चल रही, इतनी गुटबाजी चल रही है तो वचन पत्र कहाँ से जारी होगा। ये बताता है कि भाजपा चुनाव तैयारियों में पिछड़ी हुई है, वो सिर्फ अपनी बैठकें करती है, रोज बैठ के होती, 2400 घंटे बैठ के होती, अमित शाह जी वो जाके बैठ के करते, लेकिन समझ नहीं आ रहा बैठ के किस बात के लिए होती है। भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जल्द ही जारी होगा। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए मिलन भार्गव ने कहा कि 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। कांग्रेस वचन पत्र से बचने के लिए वचन पत्र लेकर के आती है। देखिए जल्द आएगा, तैयारी की जा रही है, सभी वर्ग से और समाज के हर व्यक्ति से सुझाव मांगे जा रहे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता सुझाव मांगे जा रहे हैं, जैसे इसकी जानकारी सबको होगी, आप सबके समझ, मध्य प्रदेश की जनता के समझ हमारा घोषणा पत्र जारी होता है। वही कांग्रेस 2018 में वचन पत्र लाती है और वचन से मुकरने के लिए नया एक वचन पत्र लेके आती है। पहले भैया राहुल गांधी को 2018 में लाए थे, बहुत सारे वादे करके गए थे, एक वादा उसमें ये भी था कि 2 लाख का किसान कर्ज माफ करेंगे, ना एक किसान का मर्ज माफ हुआ। उन्होंने 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, किसी एक बेरोजगारी भत्ता किसी युवा को नहीं मिला। जब युवाओं की बात आई तो उन्होंने ये जरूर कह दिया कि ढोर चराइए और बैंड बजाइए। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी। हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।